बिहार के बक्सर में सदर विधायक संजय तिवारी ने जन अदालत लगाई। ये जन अदालत जन समस्याएं सुनने के लिए नहीं बल्कि बक्सर एसपी राकेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए थी। लगातार बढ़ती आपराधिक वारदातों के खिलाफ लगी इस जन अदालत में कई राजनीतिक संगठनों और बक्सर के तमाम व्यवसायिक वर्ग से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हुए, जहां बक्सर एसपी राकेश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार से उनके तबादले तक की मांग के साथ साथ विधायक ने चेतावनी भी दी और कहा कि अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अभी तो एक दिन का बक्सर बंद का ऐलान हुआ है, उसके बाद आंदोलन और तेज होगा। विगत 10 महीने में 40 हत्याएं हुई, 15 से 20 लूट हुए, एक्सीडेंट और अलग अलग वारदातें हुई हैं, कोई फांसी लगाकर मर गया, कोई एक्सीडेंट करके मर गया, वो अलग। लेकिन जो 40 हत्याएं हुई हैं, 40 हत्याओं का उद्भेदन किसने किया, क्या एसपी और उन थानों ने किया जहां एफआईआर दर्ज है, नहीं हुआ। हुआ तो मीडिया के सामने आकर बतावे कि किन मर्डर में किन थाने का केस नंबर क्या है, वो आकर बतावे किन की गिरफ्तारी हुई। एक मामले का उद्भेदन उन्होंने नहीं किया।